हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हम मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका एमजीएफ कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कैसे निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, प्लस एमजीएफ की हेल्प से हम किस तरह से मीन और वेरिएंस निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और स्टूडेंट, इससे पहले मेरे जितने भी वीडियोस हैं, लाइक मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके बाद पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया है, उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ मीन और वेरिएंस। और स्टूडेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मेरे सभी वीडियोज यहाँ पे अपलोडेड है। सो या स्टूडेंट, आईटेप पे आप जाके मेरे सभी वीडियोज देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, देखिए मीन और वेरिएंस किस तरह से निकालते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। और स्टूडेंट, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं। और बहुत अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। प्लीज आप कमेंट करते रहिए, इससे मुझे लगेगा कि हाँ, आप वाकई में देख के आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। सो स्टूडेंट, देखिए मीन और वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से निकालते हैं। सो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ होता है वो होता है लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.1.2 से इनफाइनाइट होती है। अब हम बात करेंगे इसका मीन, है ना। सो मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? मीन की जो वैल्यू होती है वो होती है ई एक्स के बराबर, है ना। तो यहाँ पे ई एक्स खुलता है तो ये एक्स आ जाएगा यहाँ पे, देन एक्स इंटू क्या आएगा, पी एक्स, है ना। ये मैं आप बता चुका हूँ आपको बाइनोमियल में, बाइनोमियल मैंने यही प्रोसेस यूज किया था, यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो देखिए यहाँ पे एक्स, देन ये आएगा यहाँ पे लैम्बडा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, देन ये आएगा आपके पास एक्स लैम्बडा एक्स e की पावर, अब इस x फैक्टोरियल इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, एक कम कर दिया। सो ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस लैम्बडा को बाहर निकाल दीजिए यहाँ पे, ये x माइनस वन है तो हम इसको भी x माइनस वन बनाएंगे, तो लैम्बडा इंटू लैम्बडा x माइनस वन मैं इसको लिख सकता हूँ। और स्टूडेंट, यहाँ पे लैम्बडा भी बाहर आ जाएगा तो ये आएगा e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू एक्स लैम्बडा पावर एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस वन। और स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो e की पावर लैम्बडा के बराबर आती है। अगर आप इसको खोलोगे तो ये e की पावर लैम्बडा के बराबर होगा, ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मीन आता है वो कितना आता है, इसको ई एक्स भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, लैम्बडा के बराबर आएगी। नाउ अब वेरियंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरियंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक्स इंटू एक्स माइनस वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट, ये क्या आता है, एक्स एक्स इंटू x माइनस वन इंटू पी एक्स होगा, तो मैं चलो इसको आगे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सो लैम्बडा इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन लैम्बडा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स फैक्टोरियल, दैन इसको हम खोलेंगे तो ये आएगा एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो x फैक्टोरियल इसको लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, और ये जो लैम्बडा है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस टू ई की, मैंने इसको क्या लैम्बडा स्क्वायर अलग दिया और अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा पावर x ही आएगा, राइट। नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये टर्म से ये टर्म क्या होगी मेरी, कैंसिल होगी। नाउ लैम्बडा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्बडा बाहर निकल गया, देन x, यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्बडा पावर x माइनस टू अपॉन x माइनस टू फैक्टोरियल। स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, e की पावर लैम्बडा के बराबर होती है। सो लैम्बडा स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा और ये से कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसके बराबर आएगी, राइट। सो ये आएगा आपके पास x इंटू एक्स माइनस वन। नाउ हमें यहाँ पे चाहिए ई एक्स स्क्वायर, क्या चाहिए सबसे पहले, ई एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इसके बराबर आएगी ई एक्स माइनस वन प्लस ई एक्स। अरे भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, तो माइनस ई एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ई एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो ये आएगा आपके पास लैम्बडा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास आई लैम्बडा, तो ये इसका क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर आएगा। और स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो वेरियंस ऑफ एक्स होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस ई एक्स की वैल्यू, यहाँ से लैम्बडा है ये आएगा लैम्बडा का होल स्क्वायर, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा स्क्वायर से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये इसका क्या होता है, वेरिएंस होता है। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो कितना होता है, रूट लैम्बडा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से यूज करते हैं, इससे यूज करते हैं, राइट।
तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, मीन और वेरियंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे खास बात है कि इसका जो मीन और वेरियंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और एक और चीज ध्यान देने की, जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरियंस का रिलेशनशिप होता है कि उसका जो मीन होता है वो हमेशा वेरियंस से क्या होता है, बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे मीन और वेरियंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता था कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीन और वेरियंस क्या होता है, सेम होता है, मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कौन सा होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इसका हम एमजीएफ निकालते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसका एमजीएफ भी पूछा जाता है और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शो दैट दिस इज अ पीएमएफ, है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए पूछ ले। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, फिर हम इसका क्या निकालेंगे, एमजीएफ दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, सीजीएफ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ऐसा लिख दो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ले लीजिए, है ना, और ये हमारा क्या होता है, पीजीएफ दैट इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। सो हम सबसे पहले इसके प्रूव करेंगे कि ये क्या होता है, पीएमएफ होता है ना। सो हम जानते हैं Px is PMF. PMF कब होता है, जब फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि Px क्या होना चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इसका जो सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, वन के बराबर होना चाहिए। तो हम प्रूव करेंगे कि इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रूव करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, Px दैट इज समेशन x, ये आएगा लैम्बडा x e की पावर माइनस लैम्बडा अपॉन x फैक्टोरियल, देन e की पावर माइनस लैम्बडा बाहर निकाल दिया, ये लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। और अगर मैं इसको खोलूं, वैसे इसकी वैल्यू मैं सीधी बता दूं, इसकी वैल्यू की पावर लैम्बडा होती है, पर अगर आप इसको खोलो, जैसे एक्स की जगह जीरो रखा होगा तो जीरो रखोगे तो वन आएगा, फिर वन रखोगे तो ये आएगा लैम्बडा अपॉन वन फैक्टोरियल, फिर टू रखोगे तो लैम्बडा स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, थ्री रखोगे तो लैम्बडा क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। और हम जानते हैं ये सीरीज किसकी होती है, ई की पावर लैम्बडा की होती है। सो ई की पावर माइनस लैम्बडा प्लस लैम्बडा आ जाएगा, देन दैट इज इक्वल टू ई की पावर जीरो, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती, वन। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये क्या होता है, यहाँ पे पीएमएफ होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या होता है, पीएमएफ होता है। अब हम बताएंगे यहाँ पे कि इसका एमजीएफ किस तरह से निकालते हैं। तो स्टूडेंट देखिए एमजीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सो एमजीएफ कैसे निकालते हैं इसका, दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम जानते हैं, इसको हम लिखते हैं एम एक्स टी से, और इसकी वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर एक्स टी, और ई की पावर एक्स टी को हम खोलते हैं तो यहाँ आता है एक्स ई की पावर एक्स टी इंटू पी एक्स, दैन खोलेंगे इसको तो ये आएगा ई की पावर एक्स टी लैम्बड़ा एक्स ई की पावर माइनस लैम्बड़ा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। स्टूडेंट ई की पावर माइनस लैम्बड़ा को हम बाहर निकालेंगे तो ये आएगा एक्स, और ये एक्स और ये एक्स एक साथ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकता हूँ पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। और स्टूडेंट इसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था कि ये जो होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, e की पावर लैम्बडा के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो लैम्बडा की जगह यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसके जैसे पर लैम्बडा की जगह लैम्बडा e की पावर t है ना। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, e की पावर लैम्बडा e की पावर लैम्बडा के साथ ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ आप चाहो तो दोनों पावर को ऐड कर लो, है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, e की पावर लैम्बडा माइनस का प्लस लैम्बडा ई की पावर टी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा कॉमन निकालो तो ई की पावर टी माइनस वन, ये इसका क्या होता है, एमजीएफ होता है। सो दिस इज द एमजीएफ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की, है ना, इसको लिखते हैं फाई एक्स टी से, किसके किससे लिखते हैं, फाई एक्स टी से। इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स टी, है ना। तो यहाँ पे एक्स टी की जगह क्या जाता है, आयोटा एक्स टी आ जाता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एक्स की जगह आयोटा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा, यहाँ आयोटा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लैम्बडा लाइक ई की पावर लैम्बडा ई की पावर आयोटा टी माइनस वन, सो दिस इज द आंसर। ऐसे ही कभी कभी हमसे पूछ लिया जाएगा कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, तो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसको हम पीजीएफ भी बोलते हैं, इसको लिखते हैं हम जेड एक्स टी से। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है, ई की पावर जेड एक्स होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जेड एक्स आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा, ये जेड एक्स आ जाएगा, तो जेड इसके साथ चला जाएगा, तो जेड ई की पावर टी की जगह जेड हो जाएगा, तो यहाँ जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, ई की पावर लैम्बडा जेड माइनस वन, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। सो स्टूडेंट एक लास्ट टॉपिक और है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एमजीएफ की हेल्प से मीन और वेरिएंस को निकालते हैं, देन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो एक टॉपिक और है लाइक मीन एंड वेरिएंस
बाय MGF। देखो एग्जाम में अगर आपसे मीन और वेरिएंस पूछे तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, MGF के L से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है ना, और वो फार्मूला क्या होता है, लाइक अगर आपको EX निकालना है ना, तो क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ MGF को डिफरेंशिएट करो और टी की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो, है ना। तो इसका जो MGF है वो क्या है, ये है, ये भी है, ये भी, ये भी, तो हम इसको यूज करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा डी बाई डी टी ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, e की पावर माइनस लेमड़ा, ए की पावर लेमड़ा, ए की पावर टी, और टी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। तो यहाँ पे e की पावर माइनस लेमड़ा तो बाहर निकाल दिया, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर लेमड़ा, यही सेम टू सेम होता है, और लेमड़ा ए की पावर टी यहाँ आ जाएगा, और टी की जगह क्या रख देंगे, जीरो। जैसे टी की जगह जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो कितना होता है, वन, ये भी e की पावर जीरो हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, तो ये आएगा e की पावर माइनस लेमड़ा, लेमड़ा और लेमड़ा, और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेमड़ा। सो दिस इज द मीन, है ना, ये हमारा क्या होता है, मीन होता है बाय द हेल्प ऑफ MGF। अगर हमें वेरियंस निकालना है तो स्टूडेंट वेरियंस का फार्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। तो ई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है MGF को, और देन टी की जगह क्या रख देना है, जीरो रख देना। तो स्टूडेंट मैंने एक बार तो इसको डिफरेंशिएट कर ही दिया यहाँ पे, है ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ एज इट इज। तो ये आएगा e की पावर, अब इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूँ तो मैं लिख देता हूँ डी बाई डी टी ऑफ e की पावर लेमड़ा ए की पावर टी इंटू लेमड़ा ए की पावर टी, टी इज इक्वल टू जीरो, है ना। नाउ इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तो आएगा, नाउ स्टूडेंट इसका टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हम इसको यू इंटू वी से करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, ये एज इट इज रहेगा, और लेमड़ा ए की पावर टी यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा लेमड़ा ए की पावर टी का होल स्क्वायर, देन इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, देन टी की जगह क्या रख देंगे, जीरो। तो स्टूडेंट जैसे टी की जगह जीरो रखोगे तो ये आएगा ई की पावर जीरो, वन हो जाएगा, ये लेमड़ा स्क्वायर, ये की पावर जीरो तो वन हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास ई की पावर लेमड़ा इंटू लेमड़ा, ये ई की पावर माइनस लेमड़ा अंदर जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी लेमड़ा स्क्वायर प्लस लेमड़ा, ये हमारे पास ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, देन ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, ये से ये कैंसिल होगा तो यहाँ से इसका क्या आएगा, वेरिएंस आएगा। तो इस तरह से हम MGF की हेल्प से मीन और वेरिएंस को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, पर यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और स्टूडेंट मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं जो मैंने अपलोड कर रखे हैं, लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और BSc पे, जो स्टूडेंट IIT-JAM की तैयारी कर रहे हैं या CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर IAS ऑप्शनल के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या और भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनसे रिलेटेड सभी यहाँ वीडियोज़ लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, सो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू।